आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर को काफ़ी हैप्पी करके रखा हुआ है। इसकी शानदार आईपीओ लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूअसली अब ट्रेंड में है। जहां इसने 165 के आसपास का लो बनाया था, वहीं अभी 858 के आसपास का हाई बनाया है। तो क्या आपने पहले से ही पोजिशन बना रखा है या फिर फ्रेश पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं, इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें। हाय, दिस साइड प्रिय रंजन एंड यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स ड्रीम। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हमारा मिशन है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पीएस्ट माइंड जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है 2011 ईस्वी में और इसका मार्केट कैप लगभग 12,200 करोड़ के आसपास है। ये आईटी कंपनी के एक इमर्जिंग स्टॉक है। बात करें अगर इस कंपनी के कार्य क्षेत्र की, तो मुख्य रूप से ये कंपनी बिजनेस, डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस ग्लोबली है। यूके, यूएसए, कनाडा, दुबई जैसे कई देशों में इसकी पहुंच है। बात करें अगर इस कंपनी के प्रेजेंस की, तो यूएसए में इस कंपनी की प्रेजेंस लगभग 78% के आसपास है। वहीं इंडिया में लगभग 12% के आसपास का प्रेजेंस है। जहां यूएसए और इंडिया में हैप्पीएस्ट माइंड का प्रेजेंस बढ़ा है, वहीं यूरोप में प्रेजेंस में डिक्रीज देखने को मिला है। मुख्य रूप से चूंकि ये कंपनी डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हर क्षेत्र के क्लाइंट इसके हैं, जैसे एडुटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। हर क्षेत्र के अलग अलग क्लाइंट इस कंपनी के पास है। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर अशोक सूता जी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अशोक सूता एक ऐसा नाम है जो टेक दुनिया का एक बेताज बादशाह माने जाते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति से पूछे कि IDFC फर्स्ट बैंक में आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका यही जवाब आएगा कि वैद्यनाथन जी के मैनेजिंग कैपेबिलिटी को लेके लोगों को ट्रस्ट है। उसी प्रकार से अशोक सूता जी एक वेल नोन नेम है आईटी इंडस्ट्री से, क्योंकि इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं विप्रो के और फाउंडर रहे हैं माइंडट्री के, जो कि अभी L&T ग्रुप की कंपनी है। इसीलिए लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में हैप्पीएस्ट माइंड को भी जिस प्रकार से माइंडट्री, जिस प्रकार से विप्रो ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, उसी प्रकार से हैप्पीएस्ट माइंड भी आने वाले समय में रिटर्न देने में पूर्ण रूप से सक्षम साबित होगा। अगर बात करें इस कंपनी के प्रमोटरशिप की, तो लगभग 53% के आसपास का होल्डिंग प्रमोटर का है। वहीं FI और DIH की होल्डिंग भी लगभग 7-8% के आसपास की होल्डिंग है। बात करें फाइनेंशियल की पॉइंट से, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल की पॉइंट बहुत ही नीट और क्लीन है। कंपनी का EPS बहुत ही स्ट्रांग है और इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। वहीं बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टरली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। रिटर्न फ्रॉम इक्विटी में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ऑपरेशनल कैश फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर का कुछ भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, जो कि एक अच्छा संकेत है। साथ ही ये कंपनी बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है। ये कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो होते हुए दिख रही है। इसीलिए एज अ इन्वेस्टर व्हाट वी शुड एट दिस प्राइस, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अगर आपने 300-350 के आसपास का बाइंग किया हुआ है, तो पार्शियली लगभग अपने होल्डिंग का 30-35% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन लगभग 5 साल के लिए है, तो बेफिक्र इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेश पोजिशन लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको 100 शेयर लेना है, तो 30-35 शेयर इस कंपनी का ले सकते हैं। चूंकि कंटिन्यूअसली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही इस स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। चूंकि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, हो सकता है कंसोलिडेशन या 8-10% का आपको इस स्टॉक में उतार चढ़ाव देख सकता है। इसीलिए मान लीजिए अगर आपको 100 शेयर लेना है, तो 40 शेयर के आसपास ले, और यहां से जब भी इस स्टॉक में डिक्रीज देखने को मिलता है, तो उस शेयर को आप बाय कर सकते हैं। बाकी 40% का आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, अगर 300-350 के आसपास का बाइंग है। दूसरी बात, चूंकि
मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 5 साल के होरिजन पे ये स्टॉक जहां अभी 800 के आसपास दिख रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये 1800 से 2000 के आसपास अगर दिखता है। क्योंकि अभी अभी राकेश झुनझुनवाल ने एक इंटरव्यू में कहे हैं कि आने वाले अगले 1-2 साल में आईटी सेक्टर का बोलबाला हो सकता है, और मैं इस बात से सहमत हूं। जिस प्रकार से दुनिया डिजिटली हो रहा है, जिस प्रकार से टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, माइंडट्री जैसे स्टॉक कंटिन्यूअसली अब ट्रेंड में रहा है, उसी प्रकार से जैसे हैप्पीएस्ट माइंड ने 166 से 868 के आसपास का प्राइस को तय किया है, तो हो सकता है आने वाले 3-4 साल में आपको ये 800 से 1800 से 2000 भी आसानी से दिख सकता है। बाकी किसी भी स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय ले लें और टेक्निकली चार्ट सीखने का कोशिश करें, क्योंकि किसी भी फंडामेंटल स्टॉक को टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकली समझ कर ही आप किसी भी स्टॉक के आइडियल बाइंग और आइडियल एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।